बाकी गुड न्यूज लिस्ट रिजल्ट बेस शिक्षा परिषद को क्या कार्रवाई हो रही है। 6800 लखनऊ 6800 की जो न्यूज है लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है इसकी, और हाई कोर्ट ऑर्डर के बारे में बात करेंगे उन्नत शिक्षक भर्ती के। तो मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन। सभी अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा बेसब्री से वेट है। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ उत्तर कुंजी प्रकरण के बारे में, उसके बाद में 6800 के बारे में बात करेंगे। तो उत्तर कुंजी प्रकरण में प्रत्यावेदन ले लिए गए थे 19 जनवरी तक। 19 जनवरी के बाद में लगातार उस पर काम चल रहा था कि जो प्रत्यावेदन है वो सटीक प्रत्यावेदन होने चाहिए, क्योंकि परिभाषा वाला जिनका नंबर जिनका क्वेश्चंस गलत था और उनको नंबर नहीं मिला था, उनको नंबर देकर पास करके और उन अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार करनी थी और उनके कट ऑफ के मैटर को लेकर तो लिस्ट तैयार करनी थी। उसमें क्या हुआ कि 3200 लगभग 3100 3200 फॉर्म जब पहुंच गए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। इतने फॉर्म नहीं थे, तकरीबन 1000 की जो संख्या निकल कर आ रही थी। अब उसमें जो पूरा काम थटाई का था, जो अभ्यर्थी जो पहले से एक नंबर उसको मिल चुका है तो उन अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा, वो फेल ही माना जाएगा। तो अब उनकी जो लिस्ट है बनकर तैयार हो चुकी है, अधिकारियों ने वो लिस्ट को बेसिक शिक्षा परिषद को भेज दिया गया है। जल्द ही शासन की उस पर मोहर लगेगी और वहीं से बेसिक शिक्षा परिषद से ही उसकी कट ऑफ निर्धारित होगी, और कट ऑफ निर्धारित होकर बेसिक शिक्षा की जो लिस्ट है वो उस पर साइन मोहर होकर उसके बाद में पीएनपी को हो जाएगी। पीएनपी के द्वारा वो लिस्ट को पब्लिश विज्ञप्ति के माध्यम से पब्लिश कर दिया जाएगा। तो अब कब तक ये काम हो पाएगा, जल्द ही आप लोगों को 10-15 दिन के अंदर में विज्ञप्ति पूरी दिखाई दे जाएगी। जैसे ही वहां से पास हो जाएगा जल्द ही आप लोगों के सामने हो सकता है। और अगर एक बार विज्ञप्ति पास होने के बाद में जब लिस्ट पर साइन हो जाएंगे तो उसके बाद में जल्द ही आप लोगों को नियुक्ति ज्वाइनिंग की भी खबर इस माह या नेक्स्ट माह में आप लोगों को मिल जाएगी। वहीं पर मैं बात कर लेता हूँ 6800 की लेकर। तो 6800 के अभ्यर्थी लगातार कोर्ट का ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे, जैसा कि सभी को बिलीव था कि मतलब आज शुक्रवार की कॉल लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आज भी कोई उसकी अपडेट नहीं मिल पाई है ऑर्डर की, कि ऑर्डर पब्लिश कब होगा। अब उसी क्रम में काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे अभ्यर्थी, तो वहीं पर अमरेंद्र सिंह बाहुबली जी ने 6800 का जो पक्ष रख रहे थे, लड़ रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे कोर्ट की हो या फिर धरना की हो, उन्होंने फिर से धरना इको गार्डन में शुरुआत कर दिया। जैसा कि कुछ दिनों बीच में ब्रेक लगा था, लेकिन आज वो उन्होंने बताया कि आज आंदोलन का 520वां दिन है, जिंदा है, अपने हक और अधिकार के लिए लगातार लड़ रहे हैं 6800 चयनित अभ्यर्थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बैनर तले हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार पालन करे बेसिक शिक्षा विभाग, 6800 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे सरकार। 2 साल से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे अभ्यर्थी, निवेदन है कि शिक्षक भर्ती में जो विसंगति के उपरांत जो 6800 चयनित लिस्ट आई है उस पर कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पर 2 अभ्यर्थी हैं लगातार बैठे हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अमरेंद्र सिंह भावरी लगातार कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ खास हो, सरकार पर ऑर्डर आते ही कार्रवाई की जाए, लेकिन ऑर्डर ना आने की वजह से यहाँ पर इन्होंने फिर से धरना चालू कर दिया। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को कि इस धरने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब मैटर हाई कोर्ट के ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। जब तक कि हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा, जब तक यहाँ पर कोई भी सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं करने वाली है। तो अभ्यर्थियों को उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द से जल्द जज साहब से रिक्वेस्ट करवा के ऑर्डर की डेट लगवानी चाहिए और ऑर्डर पब्लिश करवाना चाहिए, जिससे जल्दी जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया की कार्रवाई हो पाए। तो गाइस कोई छोटी बड़ी अपडेट जाएगी सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।